ये फिर फोन कर रहा हूँ, फिर स्विच ऑफ बताएगा। काफी देर से कर रहा हूँ यार, मान ये अब मैं फोन कर रहा हूँ, साला फोन उठा ही नहीं रहा। आप दे दो ना, दो दाने बैठे हुए, चार बंदों के लिए जगह है ये तो। यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाता भाई। भाई ये मेरे दोस्त बने। आसाम के इस खूबसूरत वादियों से आप सब लोगों का स्वागत है। ओ ताऊजी, ताऊजी राम राम। हेलो मारी। भाई बोल रहे कि अरुणाचल बड़ा खतरनाक जगह है, कि 15 किलोमीटर जंगल के रास्ते से आए यार। कोई नहीं भाई, वो दे देगा तो मैं नहीं देगा तो साला मुझे बताना, मैं साले को फोड़ दूंगा आगे, ठीक है भाई। हाँ आसाम के इस खूबसूरत वादियों से आप सब लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो जनाब सीन ऐसा है, आपने इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो देखा होगा, मेरा मैं कहाँ से आए थे हम लोग, सहारनपुर से ना, सहारनपुर से हम लोग आए थे न्यू जलपाईगुड़ी। तो जनाब यहाँ पे आए तो हमें ना एक जो टिकट काटने वाला था ना महा बेवकूफ़ आदमी, उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। अब हमें जाना है लहरनगुन जो अरुणाचल में पड़ता है। तो कहानी ये हुआ कि यार भाई उसने टिकट तो दे दिया, जनरल का काट लिया। हमने बोला कि 2:30 बजे जाएगा, 2:30 बजे। तो भाई साहब अभी बज रहा है 3:30, 2:30 बजे कोई भी गाड़ी नहीं जा रहा था। वो बोलता है कि अभी जो गाड़ी खड़ी है, इसका गाड़ी का नाम क्या है यार, ब्रह्मपुत्र गाड़ी का नाम है, ये जाएगा क्या रंगिया क्या ऐसे कुछ जगह का नाम है, हाँ रंगिया घाट है, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर हमें दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा इसी टिकट में, वो लहरनगुन के लिए। तो ये सीन आ गया भैया, सोने रखा है और नींद आ रही है हल्की हल्की, साफ साफ बता देता, हमें कुछ पता ही नहीं, हम बेवकूफ़ तरह बैठे हुए। अभी ये गाड़ी खड़ी हो रही थी काफ़ी देर से, जनरल बोगी में बैठे हुए, देखो यार कितने भाई लोग बैठे हुए, कुछ नेपाली भाई लोग हैं अपने। ए दाई है, दाई नाम राम राम, राम राम। दाई का नाम क्या? लक्ष्मण दाई। लक्ष्मण दाई बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे दाई भाई सब बैठे हुए हैं, यहाँ भाई बहने सब लोग बैठे हुए हैं। तो जनाब अब देखते हैं क्या होता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रेन रुका हुआ है, पता नहीं कब जाएगा। हजूर अपनी कहाँ बैठो, घर यहीं हो? आसम बट हो? ओहो आसम पर घूमने जाना पड़ रहा है यार। तो भाई हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं और भाई साहब भी परेशान है। भाई साहब कैमरे में नहीं आते कभी, पैसा तो हम ही कमाए हैं। जिसके डायलॉग आएंगे तो भाई तुम भी तो फोन में लगे पड़े हो, अपने बिजनेस तुम फोन में कमा रहे हो, हम ना कमाए। आ गया 11 बजे, आ गया आ गया। ये भाई लोग जो आ रखे ना सिक्किम से आ रखे, बड़ा बुरा हाल है यार। वो भाई मुझे फोटो दिखा रहा था, दिखाऊं तो भाई फोटो? अरे ये देखो बैंकर, मैं ये फोटो लगा दूंगा, वैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये फोटो सारा लगा दूंगा। ये लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए यार, ये भाई लोग, सारे भाई लोग हजू सब उठा है भाई, नेपाली भाई लोग है हमारे, बुरी हालत है। अच्छा ऊपर तुम लोग मतलब फिर आए कैसे वहाँ से? पैदल आए, वहाँ गाड़ी तो कोई भी चल नहीं रही है, है? अच्छा ब्रिज भी पूरा टूटा हुआ है। अच्छा जी, मैंने सुना वहाँ पे 23 आर्मी वाले तो लापता हो रखे है ना, 30 जाना पूरा लापता भाई राखे से त्या तीर। बताओ यार बताओ, जिंदा निकाला है एक को तो, ये सारे वहीं से आ रखे ज्यादातर आसाम, सॉरी सिक्किम से। बताओ किस्मत अच्छी है, इन लोग बच के आ गए वहाँ से, पूरा ग्रुप अब अपने अपने घर को जा रहे हैं, वहाँ तो पता नहीं कब हालात सुधरेंगे यार। और यार मुझे तो पता, अब 3 दिन पहले ही हुआ यार, ये अस्थि भगो नहीं भाई, अस्थि भगो नहीं, मंगलवार 2 बजे। अच्छा मंगलवार रात 2 बजे भगो सुतने बेला में? अच्छा घड़ांग घड़ांग घुरुंग भगला सब भाग गया। कति बजे अरे? 2 बजे भाई, रात को 2 बजे ना एकदम से क्लाउड और किसी को चला भागे ये लोग जंगल के बाटो पैदल। कति किलोमीटर चलेगा? 15 किलोमीटर जंगल के रास्ते से आए यार ये, रात बिरात अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के 15 किलोमीटर चल के भाई। बता यार ये हालत हो रखी है वहाँ की,
चलो भाई, तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी, अगर मैं एक हफ्ते पहले का प्लान बनाता ना तो मैं भी वहीं पे ही होता, तो शायद हम भी कहीं, हम तो कैंपिंग वगैरह करते तो हम भी, हमारे भी कारण हो जाता भाई, हम भी लापता हो जाते शायद, हैं हम भी लापता होने से, एक हफ्ता पहले आएगा आता, एक हफ्ते पहले आते ना हम लोग 100% वहीं पर ही होते सिक्किम में, पर हमारे भी पता ही चलता भाई, हम लोग गए का नींद भी नहीं आ रही यार अब तो। ये नेगी भाई का बैग है, ये मेरा बैग है भाई। नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं यार इधर के यार, अभी भी लगेगा मेरे ख्याल 3-4 घंटे लगेंगे, अभी बहुत रास्ते चल रहे हैं यार ये गाड़ी। तेरा घर ये मेरा घर, देखना किसी को घर, तू पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। तो भैया आसाम के इस खूबसूरत वादियों से आप सब लोगों का स्वागत है। यार मेरा एक सपना था यार ऐसा ना, ट्रेन के दरवाजे में ऐसे बैठ जाऊंगा और आनंद लूंगा जो भी चीज मेरे सामने दिखाई देगी। ओहो ताऊजी, ताऊजी राम राम, क्या हाल है? ठीक ठीक है भाई। और अरे भाई क्या मस्त लग रहा है नजारे। हेलो कैसे हो? टाटा 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 टाटा। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जब आप जाओगे ना ट्रेन में, तो भाई सीन इतने खतरनाक मस्त वाले, अभी तो फिलहाल आ नहीं रहे, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े मस्त मस्त है यार। और यहाँ पर टोटली जितने भी मैंने घर देखे ना भाई, ज़्यादातर टीन सेट लगे हुए हैं यार, टीन के घर ज़्यादा हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये टीन का है, अभी दिखाऊंगा मैं जितने भी घर, मतलब 95% जितने भी घर दिखेंगे आपको खेतों के किनारे, ट्रेन के मतलब जो पटरी होती ना ये, इसके अगल बगल में जो खेतों से जब ट्रेन निकलती है तो जितने भी नज़ारे होंगे आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, बड़े फर्स्ट क्लास नज़ारे हैं आप। घर तो आपको टीन। हेलो हाउ आर यू? अरे क्या चाहिए? अरे मैं खुद यार रोड में आ रखा हूँ। आशीर्वाद लगाएगा, 10 रुपए मांगेगा। भाई आशीर्वाद है ऊपर, जय भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो भाई ट्रेन रुक गई है और जनाब आशीर्वाद देने वाले भी आए थे, वहाँ काम चल रहा है, मेरे घर ट्रेन टून के लिए बना रहे होंगे कुछ। रुक गया। ये दादू से मिलो, हमारे दादू भाई। राम राम कर दो ना। राम 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 दादू कहाँ बैठा रहे? घर कहाँ बैठा रहे? घर कहाँ बैठा? मस्त माते से, मस्त माते से, मेरा घर है बिसामारी। कता पड़ते हैं? कता पड़ते दाई? हमारा गोरखाली है और दाई काफी सपोर्टेबल है, काफी सपोर्ट करते हैं दाई, सपोर्ट करता हूँ। और मजा आ गया दाई से मिलने में, करके अच्छा है जिंदगी में, कुछ करना है उन्नति तो कुछ करना नहीं सका, तो दिखाऊं आपको, एक दिखाई हम तो कुछ। चलो मतलब ये कह रहे हैं कि यार हमने तो कुछ नहीं कर सके, कम से कम आप तो दुनिया को दिखा रहे हो जगह कैसी है, क्या है क्या नहीं है, खूबसूरती दिखा रहा हूँ मैं आसाम की। आसाम के अंदर आप जब भी आओगे ये नॉर्थ ईस्ट के साइड में, आपको बांस के पेड़ सबसे ज्यादा दिखेंगे, यहाँ पर भी बांस के पेड़ आपको सबसे ज्यादा, और यहाँ पे ना बैम्बू का बिजनेस बड़ा जोर शोर से है, मतलब ज्यादा बैम्बू मिलेगा ना यहाँ पे, बैम्बू का बिजनेस, हाँ यहाँ से सप्लाई ज्यादा होता है ना, नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा बैम्बू का सप्लाई होता है भारत के दूसरे राज्यों में, है ना, बहुत बैम्बू यार। ये देखो बैम्बू को पानी देते हुए हमारे पैसेंजर भाई लोग। तो भाई ये कुछ ऐसा सीन है यार।
जर्नल की हालत ये हो रखी है, देखो बंद हो रखा पूरा, अंदर टॉयलेट भी पूरा खत्म हो रखा, अंदर भी खत्म हो रखा ना, गंदा है ना पूरा। भाई बोल रहे कि अरुणाचल बड़ा खतरनाक जगह है, कि मतलब ठंड के ठंडा, बाकी पब्लिक तो बढ़िया है वहाँ की, पब्लिक तो काफी सपोर्ट करने वाले हैं, पब्लिक बहुत अच्छा से रहता है, मैंने देखा हुआ ना उनका काफी सारा वीडियोस देखा हुआ मैंने, काफी अच्छे सपोर्टेबल वाले हैं वहाँ पे, मतलब भी जाता है कभी कभी, हाँ टूरिस्ट लोगों से बहुत मतलब अच्छे से पेश आते हैं, इज्जत से पेश आते हैं, भी अच्छा अच्छा है, सीनरी भी बहुत अच्छा है, ठंडा बहुत है लेकिन, है ना, ठंडा बहुत है, जितना हम पहाड़ों की तरफ में जाएंगे उतना ठंडा ज्यादा, कोट पहनना पड़ेगा। क्या नाम बताया आपने? तो भाई ये मेरे दोस्त बने, अभी अच्छा लगा इनसे मिलकर। क्या नाम बताया था भैया आपने? रामा बसमता। तो भाई साहब इनका भी चैनल है, चैनल का नाम बता दो। स्पोर्ट्स का चैनल है मेरा, स्पोर्ट्स का चैनल का नाम है ज़ारा पगला क्रिएशन। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक दे दूंगा, तो इन भाई का भी आप चैनल, अगर फुटबॉल के शौकीन हो तो इन भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर सब चीज़ कर लेना। अब यहाँ पे देखो छोटा सा बस्ती टाइप का बसा हुआ है, और हाँ जितना भी आपको यहाँ पे घर मिलेगा ना, ऐसे किनारों में टीन सेट ज़्यादा लगे हैं पूरे, ये देखो पूरा टीन सेट लगा हुआ है, और ये झील के किनारे बसे हुए हैं, ये बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा भाई, इसमें इतने बड़े बड़े मच्छी पालते हैं ना ये लोग, और बतख वगैरह भी, ये देखो ये बतख है शायद कैमरे में दिखे नहीं, ये देखो बहुत बड़े बड़े बतख हैं, हाँ बतख का मीट भी खा लो, और उसके अंडे भी यूज़ में आ जाते हैं, और मच्छी मच्छी का भी हो जाता है इनका जुगाड़ सारा, ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये आसाम का क्या नज़ारे हैं यार, हैं हाँ ये क्या उगा रखा है, धान होगा ये, अभी तो धान है ना, ये धान हो रखा पूरा हरा भरा है यार, हाँ नेगी भाई कहाँ चले गए यार, नेगी भाई गायब हो गए भाई, पानी की तलाश में निकले थे, आगे मिलूंगा बोल के, ये ट्रेन यहाँ तक लाई यार, बाय बाय एनजीपी से लाने वाली ट्रेन, कामाख्या ट्रेन थी भाई ये, तो नेगी जी को ढूंढता हूँ फिर मिलते हैं यार। तो जी पहुँच गए हम रंगिया स्टेशन में, और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था बाहर निकल के, उसके बाद यार आके बैठ गए, अभी पता किया था हमारा यहाँ से जो ट्रेन है वो रात को 12 बजे निकलेगी, उसका नाम है क्या, नहरलगुन नाम से उसका, वो जहाँ जा रहे हो वो उसी नाम से, और नहरलगुन एक रेलवे स्टेशन ऐसा है अरुणाचल का आखिरी स्टेशन है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब ट्रेनें चलती नहीं है, मतलब बिल्कुल बेरान सा, सुस्त सा, सुनसान सा ऐसा रेलवे स्टेशन है वो। भाई अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, बिजनेस संभाल रहे अपना, ट्रांसपोर्ट बिजनेस और यहाँ ब्लॉगिंग का बिजनेस संभाल रहा भाई तुम्हारा, परसों की वो पड़ी हुई मैकडोबल कौन सी वाली जो आधी बची हुई देख भाई ये मेरे बदनाम कर रहा है, सबको मैं फोन के दिखा दूंगा, दिखा दो ना ना दिखा दो, मान जाऊंगा चलो मैं 1000 रुपये दूंगा तुम्हें, 1000 अभी दिया, ना यही 1000 रुपये दूंगा मैं कसम से, लो अभी दूंगा मैं 1000 रुपये, दिखाओ काम बेइज्जती करवा रहे यार तुम यार, भाई मेरी बेइज्जती कराने में लगा हुआ, और सुनो ये डालूंगा मैं वीडियो जो तुम बोल रहे हो, नहीं भाई नहीं पीता यार वो, मेरा फिरकी लेता रहता है यार वो भाई, कपड़े भी मेरे साल अंदर इतना गंदा हो रखा है पूरा, अंदर से ना पसीने का चिपचिपापन और अधिकार, लेकिन कोई फर्क ही नहीं भाई को, किसको आप लड़की थोड़ी ना देखनी है यार, ये आसामी ड्रेस है ना, ये आसामी ड्रेस कपड़ा है ना आसामी, तो भाई बैठे बैठे मुझे भाई मिले, नाम क्या है तुम्हारा? जमलुद्दीन भाई मिले मुझे, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातें कर, इधर आओ ना, ये जनाब स्कूल में काम करते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म, बच्चों के यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं ना, बच्चों के यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे किसी से पेमेंट लेने के लिए आए थे, वो क्या बोला कल देना, कल आने के लिए बोला यार भाई, अगर वो तुम वीडियो देख रहे थे यार, क्यों कल आने के लिए बोल रहे हो यार, आज ही दे दो बेचारे का पेमेंट, बेचारा बैठा हुआ होता आपका, मैंने बोला भाई क्या हो गया, बोला बाबूजी मैंने पैसे लेने थे, पैसे दिया नहीं, बोला कल आना जरूरत आ जाए, तो भाई ने बताया मुझे, भाई ऐसा मत करो यार पेमेंट दे दिया करो,
किसी की मेहनत की तो कमाई होती है ना भाई, उसका पसीना जमीन पे गिरने से पहले उसके दे देना चाहिए उसका पैसा, उसे रखना नहीं चाहिए। क्यों? पैसा कभी भी किसी का मत रखो, पैसा जिसका मेहनत करता है उसको पैसा उसके हाथ में रख दिया करो यार। ऐसा जो भाई उदास सा बैठा हुआ, कोई नहीं भाई वो दे देगा तुम्हें, नहीं देगा तो साला मुझे बताना, मैं सर को फोड़ दूंगा फिर आके, ठीक है भाई। हाँ वो खुश रहो यार, लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है। कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी चलते चलते टैटू हो गया, कुछ हो गया, खत्म हो गया, खाओ पियो मौज करो, टेंशन आते रहेंगे जाते रहेंगे। खा खुजा बत्ती बुझा, झोला पकड़ घूमने को निकल, जैसे मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यार खाना ले लिया मैंने, मच्छी है, सब्जी है, दाल है, यहाँ पे सब्जी है, पापड़ है, मात्र 70 रुपये में मच्छी के साथ में खाना मिल रहा, और वो मात्र 50 रुपये में। तो भाई और मैं अब खाना खाने लग रहे। तो भाई और उनकी बहनों, सीन इस प्रकार से है, 3 बजे मैं सो गया था अंदर, प्रतीक्षालय है स्टेशन के अंदर ना, वहाँ आराम से सो गया था, नहाने धोने का सब बंदोबस्त था, सारा चीज मजे से सोने के बाद अभी टाइम हो रहा था, 7 बजे हुई, 7:30 बजे भाई। वैसे मेरा अरुणाचल प्रदेश जाना कन्फर्म तो था, लेकिन कब जाऊँगा ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि मैं वेस्ट बंगाल को एक्सप्लोर करूँगा, मतलब सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक यहाँ जाऊँगा। बट अभी इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने पता, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई सिक्किम में क्या हालत हुआ, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, पानी वहाँ पे आ गया, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रखी है वहाँ, तो इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया, और वहाँ से मैं अब जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप उत्तराखंड से हो, अरुणाचल घूमना चाह रहे हो, तो एक बात का हमेशा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए वहाँ का सबसे आखिरी स्टेशन जो है वो नहरलगुन है, नहरलगुन नाम से स्टेशन है, उसके बाद आगे कोई भी ट्रेन जाती नहीं है, वो आखिरी है। तो वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद आपको बाहर एक ऑफिस मिलेगा स्टेशन के अंदर ही, वहाँ पर आपको ILP बनाना पड़ेगा। ILP का मतलब हुआ इनर लाइन परमिशन, वो आपको 110 रुपये या 150 रुपये लगेंगे उसमें। वो मिलने के बाद आप कितने दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हो घूमने के लिए, वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, लाइक 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो वो आपको फिलअप करने के बाद वहाँ से आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, वो पर्ची आप अपने पास में रखना, उसके बेस में आप पूरा अरुणाचल को एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो वही खाना खा के बैठा हूँ मैं आराम से, और हमारी ट्रेन जो है रात के 12:10 में यहाँ से निकलेगा। तो जनरल का टिकट लिया है, आई होप, आशा करता हूँ यार कि यार वहाँ मिल जाए मुझे सीट, वैसे जनरल में सीट मिलना बहुत मुश्किल लगता है यार। मैंने वो फील्डिंग लगा रखी ना अपने नेगी जी को, तैयार है नेगी जी, पता नहीं कहीं वो फ़ोन पे लगे रहते हैं यार, नेगी जी तैयार है। तो अब नेगी जी सीट घेरेंगे, मैं इनका बैग पकड़ूंगा, उसके बाद जो है सीट मिल गया तो आराम से बैठ के हम कल पहुँचेंगे, मेरे ख्याल 10:30-11 बजे। भाई यार एक भसड़ हो गया अब यार, नेगी भाई को मैंने अभी 1.5 घंटे पहले बोला था यार कि भाई टिकट लेके आ जाओ, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। तो अपने साथ में जैकेट भी पहन रखी थी, उनका तबीयत ख़राब था, और क्या बोलते हैं अपने बैग लेके वो चले गए थे टिकट लेने के लिए। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बज गए, और 12:30-12 बजे हमारा ट्रेन निकलने वाला है, और भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा, इतना फ़ोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। बैग और अपना जैकेट वगैरह उनका सामान उन्हीं के पास में था, मेरा सामान मेरे पास में था। मेरे साथ ऐसे बैठे हुए थे साथ में ना, मैंने बोला जाओ यार टिकट लेके आओ, अपना बैग भी ले गए, सब चीज़ ले गए, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, कौन सा स्टेशन का लेना है बोल रहा था, मैंने उसको बताया नहरलगुन का लेना है, तो भाई वो लेने के लिए आया था यहाँ पे। अभी भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा यार, और मेरे पास अभी करीबन 1 घंटा और है जाने के लिए, ट्रेन निकलने के लिए, भाई को फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा वो ना फ़ोन में ना, जैसे मैं अकेले बैठा हुआ था फ़ोन में, कोने में जाके काफ़ी देर तक घंटों घंटों तक बातें कर रहा था पता नहीं किससे, और मेरे ख्याल वो ट्रांसपोर्ट का उसका काम है ना, तो उसकी सेटिंग चल रही होगी कहीं और जाने के लिए, मुझे तो यही लग रहा। तो कोई ट्रांसपोर्ट वाले बंदा के साथ में उसकी बातचीत चल रही होगी, तो वो बंदा क्या बोलते हैं उसको सेटिंग होगी होगी, मुझे तो बताया नहीं, और उसके साथ में चल गया इतना वहाँ बेवकूफ़ आदमी। अरे कम से कम बता ही देता यार कि भाई मैं जो है किसी कहीं और जा रहा हूँ, मेरी सेटिंग कहीं और जाने की है, घूमने के लिए, बता देता तो मैं मना थोड़ी ना। ये फिर फ़ोन कर रहा हूँ, फिर स्विच ऑफ बताएगा, काफ़ी देर से कर रहा हूँ यार मान, ये नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अबे कहीं और जाना था तो दूसरे मुझे बता तो देता कि भाई मैं कहीं और जा रहा हूँ घूमने के लिए, बता नहीं था। सर मैं अपने दोस्त का
भाई आपको कहानी अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, गाड़ी मेरी आ गई है। तो कहानी ऐसा है, मैंने पुलिस में अभी बता दिया कि ऐसा ऐसा दोस्त आया था। मतलब कोई बात नहीं, वो अपना कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, संपर्क करेगा तो आ जाएगा, नहीं तो देखते हैं। बाकी मैं अभी बताता हूँ यार, गाड़ी ये खड़ी है, पहुँच तो गए यार हम जंगल में, लेकिन सीट तो है नहीं। हैं तो कहाँ है, जगह है ही नहीं। आप दे दो ना, दो जाने बैठे हुए, चार बंदों के लिए जगह है ये, तो एक बंदे चार बंदे बैठते हैं इसमें। दे दो ना आप, क्या हो गया। तो चार बंदों की जगह है, एक सीट में चार बंदे बैठते हैं, एक हम लोग भी बैठ जाएंगे तो दो बंदे हैं, हम लोग आ जाएंगे। फाइनली हमें सीट मिली, दिया भाई साहब ने दे दिया, सो रहे थे इनको डिस्टर्ब कर दिया यार, अब क्या करूं, मेरी भी परिस्थिति कुछ ऐसी है, अब चार बंदों के लिए सीट होता है, फिर भी एक भाई को तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं, वो सो रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? सॉरीबुल। और मोहिबुल इस्लाम। क्या नाम? मोहिबुल इस्लाम। मोहिबुल इस्लाम। तो ये दोनों काफ़ी भाई लोग अच्छे लगे मुझे मिल के। थैंक यू यार, आप लोग ने मेरा साथ भी दिया और मेरे साथ तक आ गए तुम लोग यार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई मैं सुबह उठ गया था 6 बजे करीब, और उठने के बाद यार लेकिन रात को ढंग से सो नहीं पाया यार। कारण ये था कि एक तो यार सोने के लिए कुछ जगह था नहीं, यहाँ पे नीचे मैट बिछा दिया था मैंने और यहीं पे सो गया था मैं। भीड़ बहुत है यार और मूड भी ख़राब था मेरा, आपको पता ही है क्या करता हूँ ये मेरे साथ में। तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद, आप और मैं नहर लगूँ, मतलब 1-1.5 घंटा और लगेगा। यार यहाँ पहुँचते सर बारिश हो रही, मौसम सुबह बारिश हुई थी बड़ी ख़तरनाक वाली, मौसम ख़राब है यहाँ पे, दूर दूर यहाँ कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, वहाँ से मुझे यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा ना, बादल लगा हुआ पूरा। अच्छा वो जो मेरे साथ में बंदा था उसको मैंने सुबह 6:15 में फ़ोन किया था, फ़ोन में रिंग गया लेकिन उठाया नहीं, फिर स्विच ऑफ हो गया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने फ़ोन किया, स्विच ऑफ ही बता रहा था। फिर अभी लगभग 1 घंटे पहले मैंने फिर से फ़ोन करने शुरू किया तो बैल जा रहा है, मैंने मतलब 7-8 बार कॉल कर दिया उसको, बैल जा रहा है फिर भी वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। और मेरे साथ में क्या बोलते हैं वो फेसबुक में भी कनेक्ट है, फेसबुक में भी कोई जवाब नहीं दे रहा है वो ना, मैंने फिर उसको टेक्स्ट मैसेज किया फ़ोन से, तभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। पता नहीं यार क्या शंका उसका दिमाग, ना कोई बात ना चीत ना कुछ अचानक से यूँ ही टिकट लेने गया भाई, वो टिकट पता नहीं कौन सी टिकट ले ली उसने, अब समझ भी नहीं आया यार मुझे ये गेम। 1-1.5 महीने ही हुआ है उसको पहचाने हुए, वैसे उसके बारे में मैंने सारी इंक्वायरी कर लिया था फेसबुक के माध्यम से, मेरे घर के पास में ही है, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर उसका घर है जोगी वाले नाम की जगह में, नेगी ट्रांसपोर्ट का मतलब वो संचालन करता है, मेरे नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं, तो उसने भी 2-4 बंदों के नाम बताए थे जिनको मैं जानता था, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि भाई बंदा कैसा है, तो सब लोग बोल रहे थे ठीक ही है, पता नहीं क्या शंका दिमाग में भगवान जाने, उसने आधे में ट्रिप छोड़ दिया, कम से कम बता के चले आता कि भाई मुझे कहीं जाना है या कहीं और घूमना है, तो मैं बोल रहा चला जा भाई कोई, मैं ज़बरदस्ती तो उसको लेके आया नहीं था कि भाई चल मेरे साथ में तेरे को घुमाऊँगा मैं तो, कोई वो खुद ही मुझे ज़बरदस्ती कर करके जो है बोला था कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ में, मुझे भी घूमना है, ये है वो है फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या मेंटल केस है क्या, समझ में नहीं आया मुझे यार।
तो जी ये था हमारा राम प्यारी, यहाँ तक छोड़ दिया नहर लगुन, पहुँच गया भाई अरुणाचल में। अरुणाचल का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाता भाई। तो अब मुझे ILP ऑफिस जाना पड़ेगा। सामने एक ब्रिज दिख रहा है ऊपर से होते हुए, नीचे की साइड में है, वहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे अपना इनर लाइन परमिट, तब जाना पड़ेगा। चलो वहीं जाके मिलता हूँ यार अब। तो फाइनली गाइस पहुँच ही गया यार अरुणाचल में। जैसे स्टेशन के पास में आया अंदर, मैंने करीबन मुझे यार 1.5 से 2 घंटे लग गए यार वहाँ पर। इनर लाइन परमिट बनाते ना उसमें, वो मैंने क्या बोलते हैं वोटर ID दिया था और किस पर्पज़ से आया वो सारा चीज़ बताना पड़ता है। और आप अरुणाचल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना घूमने के लिए, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इनर लाइन परमिट बनता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो मैंने तो ये यार 0 नाम से कोई जगह है यहाँ पर, 0 और ओल्ड 0, तो जिसने परमिट बनाया ना मैंने उसको बता दिया था कि भाई मैं मेरे को रिमोट एरियाज में घूमना है, तो मैं ओल्ड 0 तक तो जाऊँगा, उसके बाद अगर दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं एंट्री करूँगा तो वहाँ के लिए फिर अलग से उस डिस्ट्रिक्ट का ILP बनाना पड़ेगा। थक गया यार मैं। तो बस यार ये वीडियो यहीं तक था, आई होप आप लोगों को सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।